हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम कुछ इस टाइप की एक्वा कलर इफेक्ट फोटो एडिटिंग है जो लाइटरूम ऐप की मदद से करने वाले हैं। सो गाइज, ये एडिटिंग मैं आपको बिल्कुल इसी तरीके से सिखाने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखना है। एंड आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। गाइज, इसके लिए सबसे पहले हमें लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेना है, फिर यहाँ पे गैलरी वाला ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। एंड इसके अंदर जिस फोटो को हम एडिट करना चाहते हैं उस पर हमें सेलेक्ट करना है, तो हम सिंपली इस वाले फोटो को एडिट करने वाले हैं, तो सिंपली इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। सो गाइज, अब हमें इसके अंदर सबसे पहले लाइटिंग को एडजस्ट कर लेना है, तो सिंपली यहाँ पर हमें लाइट वाले ऑप्शन पर आ जाना है। एंड इसके अंदर कंट्रास्ट है, इसको हमें हल्का से यहाँ पर हमें इंक्रीज करना है। एंड हाईलाइट है गाइज, इसको हल्का से यहाँ पे हमें डाउन करना है। फिर आता है गाइज शेडो, शेडोज को भी हमें डाउन करना है। एंड सिंपली इतना हम डाउन कर लेते हैं। एंड वाइट आता है गाइज, इसको हमें इंक्रीज करना है। एंड सिंपली इतना हम इसको इंक्रीज कर लेते हैं। एंड ब्लैक्स आता है गाइज, इसको भी हमें इंक्रीज करना है। एंड हमारी लाइटिंग कंप्लीट हो चुकी है। एंड गाइज, अब हमें अपनी फोटो के अंदर कलर ग्रेडिंग करनी है, तो सिंपली यहाँ पर हमें कलर वाले ऑप्शन पर आ जाना है। एंड इसके अंदर टेम्परेचर है, इसको हमें इंक्रीज करना है, हल्का से इंक्रीज कर लेते हैं। एंड टिंट है गाइज, इसको भी हमें इंक्रीज करना है। एंड विब्रेंस आता है, इसको हमें डाउन करना है। एंड फिर आता है सैचुरेशन, इसको भी हल्का से यहाँ पे हमें डाउन करना है। एंड इतना करने के बाद सिंपली यहाँ पे मिक्स वाला टूल है, इसके ऊपर हमें क्लिक कर लेना है। गाइज, फिर यहाँ पे नेक्स्ट वाला कलर आएगा ऑरेंज कलर, इसके ऊपर हमें आ जाना है। फिर यहाँ पे हुए, इसको हमें डाउन करना है हल्का से, यहाँ पे हमें इसको डाउन कर लेते हैं। एंड सैचुरेशन है, इसको भी हमें डाउन करना है। ठीक है, तो सिंपली हम इसको सिंपली यहाँ पे इतना कर लेते हैं। एंड ल्यूमिनेंस है, इसको हमें इंक्रीज करना है। गाइज, इतना करने के बाद सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट वाला कलर आता है येलो कलर, इसके ऊपर हमें आ जाना है। एंड गाइज, यहाँ पे हुए, इसको हमें डाउन करना है। एंड सिंपली इतना हम डाउन कर लेते हैं। एंड सैचुरेशन आता है, इसको हमें इंक्रीज करना है। फिर आता है गाइज ल्यूमिनेंस, ल्यूमिनेंस को हल्का सा डाउन करना है। फिर हमें नेक्स्ट वाले कलर गाइज, यहाँ पे ग्रीन कलर, इसके ऊपर हमें आ जाना है। एंड इसके अंदर हुई है, इसको मैं डाउन कर ला हल्का से, यहाँ पे मैं डाउन कर लेते हैं। एंड सैचुरेशन है, इसको हमें इंक्रीज करना है। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे ल्यूमिनेंस आता है, इसको भी हल्का से इंक्रीज करना है। गाइज, इतना करने के बाद सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट वाला एक्वा कलर आता है, इसके ऊपर हमें क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पे हुई है, इसको मैं डाउन करना है, सिचुएशन को हमें फुल करना है। एंड इसके बाद ही यहाँ पे हमें डन कर लेना है। गाइज, फिर सिंपली यहाँ पे बैक आ जाना है। एंड आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। गाइज, अब हमें सिंपली इसको सेव करना है। ठीक है, फिर इसके अंदर प्रीसेट को ऐड करना है, तो सबसे पहले इसको हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे एक्सपोर्ट एज़ पे हमें क्लिक करना है। एंड यहाँ पे हमें डन कर लेना है, तो ये हमारी फोटो है जो सेव हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद वापस हमें बैक जाना है। एंड गाइज, बैक आ जाना है, फिर यहाँ पे एडिट्स पे आना है। एंड इस वाली फोटो को हमें डिलीट करना है। ठीक है, अभी हमने एडिट की थी, तो सिंपली हम इसको यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। फिर गाइज, इसके बाद वापस हमें यहाँ पे गैलरी वाले ऑप्शन पे जाना है। एंड अभी हमने जो फोटो सेव की थी उसको हमें वापस ऐड करना है। ठीक है गाइज, इसके अंदर हमें प्रीसेट है, इसको हमें सबसे पहले कॉपी कर लेना है, इसकी सेटिंग कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो हम इसके अंदर एक प्रीसेट ऐड करने वाले हैं, तो ये वाला प्रीसेट है, इसको हम ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीसेट है, तो इसके अंदर थ्री डॉट पे हमें क्लिक करना है, कॉपी सेटिंग गाइज, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है एंड डन कर लेना है। तो इस प्रीसेट की सभी सेटिंग कॉपी हो चुकी है। ठीक है, तो इसके बाद में हमें क्या करना है, वापस उस फोटो को हमें एडिट करना है, तो सिंपली यहाँ पे गैलरी वाले ऑप्शन पे हमें आ जाना है। एंड ये वाली फोटो है, इसको हमें वापस क्लिक करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे फिर थ्री डॉट पे क्लिक करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। एंड यहाँ पे पेस्ट सेटिंग है, इसके ऊपर हमें आ जाना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारा कलर ये चेंज हो चुका है। अब हमें इस कलर को फिक्स करना है। ठीक है, हमें कलर को एडजस्ट करना है, तो सिंपली यहाँ पे हमें कलर वाले ऑप्शन पे आ जाना है। एंड मिक्स वाले टूल पे आ जाना है। एंड यहाँ पे येलो कलर है, इसके ऊपर हमें क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो आपके हिसाब से आप कलर को एडजस्ट कर सकते हो, आप जो कलर रखना चाहो उसको आपको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको फुल कर लेता हूँ। एंड सैचुरेशन है, इसको हमें इंक्रीज करना है। एंड ल्यूमिनेंस है, इसको हल्का से यहाँ पे हमें डाउन कर लेना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाला कलर आता है जी, यहाँ पे ग्रीन कलर, इसके ऊपर हमें क्लिक कर लेना है। एंड ह्यू को फुल कर लेना है। एंड यहाँ पे सैचुरेशन को फुल कर लेना है। एंड ल्यूमिनेंस को हल्का से इंक्रीज करना है। ठीक है, इतना करने के बाद सिंपली यहाँ पे हमें डन कर लेना है। एंड यहाँ पे बैक आ जाना है। गाइज, इसके बाद यहाँ पे इफेक्ट वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर हमें आ जाना है, इफेक्ट डालना है अपनी फोटो के अंदर, तो विग्नेट को हल्का सा और कम कर लेते हैं। एंड यहाँ पे डिटेल्स के ऑप्शन पे जाना है। एंड इन सबको हमें फुल कर लेना है। ठीक है, एंड इसको हल्का से इंक्रीज कर लेते हैं। एंड बैक आ जाते हैं। एंड गाइज, आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिट हो चुकी है। सो गाइज, सिंपली अब हम इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पे एक्सपोर्ट एज़ पे हमें क्लिक करना है। एंड यहाँ पे डन कर लेना है, तुम्हारी फोटो जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के अंदर सेव हो जाएगी।